हेलो व्यूवर्स, नर्सरी क्लास की अल्फाबेट बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेटर यू से। यू का साउंड होता है, द साउंड ऑफ यू इज अ एंड यू। तो कहाँ पे यू आता है और कहाँ पे अ आता है, ये मैं बुक रीडिंग जब करूँगी तो हम देखते हैं। यू अ अम्ब्रेला, यू अ अम्पायर, नाउ यू यू यूनिकॉर्न, यू यू यूटेंसिल्स। रिपीट आफ्टर मी, यू अ अम्ब्रेला, यू अ अम्पायर, यू यू यूनिकॉर्न, यू यू यूटेंसिल्स। नेक्स्ट लेटर इज वी। द साउंड ऑफ वी इज व। द साउंड ऑफ वी इज व। वी व वैन, वी व वास, वी व वेजिटेबल्स, we were violin. Repeat after me. We were van, we were vase, we were vegetables, we were violin. Next letter is W. The sound of W is w. W were well, W were well, W were walnut, W were watermelon, W were whale. Repeat after me. W were well, W were walnut, W were watermelon, W were whale. The next sound is X, and X has various sounds, but यहाँ पर nursery class के बच्चों को हम X और Z यही sound पढ़ाएंगे, क्योंकि वही sounds उनके लिए अभी important है। तो X, द साउंड ऑफ X इज X एंड Z. X, X, Xmas tree, X, X, X-ray, X, Z, Xerus, X, Z, Xylophone. तो यहाँ पे इन दोनों में Z का यूज हुआ है X के लिए, और जो यहाँ पर X ट्री में और X-ray में हमने जो साउंड यूज किया है वो है X. तो इस तरह से वैसे बहुत सारे साउंड होते हैं इनके। नेक्स्ट लेटर इज वाई। वाई का साउंड होता है य। द साउंड ऑफ वाई इज य। वाई य याक, वाई य यॉट, वाई य यान, वाई य योयो। रिपीट आफ्टर मी। वाई य याक, वाई य यॉट, वाई य यान, वाई य योयो। द नेक्स्ट लेटर and last but not the least is Z. Z का sound भी होता है Z. देखिए ये ज लिखा है, इसके बीच में जब हम बिंदी यहाँ पे लगाते हैं डॉट तो ये बनता है Z. Z, Z, zebra, Z, Z, zigzag, Z, Z, zip and Z, Z, zoom. Repeat after me. Z, Z, zebra, Z, Z, zigzag, Z, Z, zip and Z, Z, zoo. That's all for this book. Thank you.